दिल्ली के सियासी गलियारों से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। खबर है कि एनडीए सरकार में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बेडरूम में हाई पावर लिसनिंग डिवाइस पाया गया। एक अंग्रेजी अखबार में छपी इस खबर के मुताबिक खबर छपने के बाद गडकरी के बेडरूम की तलाशी ली गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन करा रहा है गडकरी की जासूसी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब नितिन गडकरी। कौन जानना चाहता है मोदी के कुनबे के राज? कौन करा रहा है नितिन गडकरी की जासूसी? गडकरी की जासूसी से किसे होगा फायदा? 13-3 मूर्ति लेन पर किसकी है नजर? सुब्रमण्यम स्वामी किस खुलासे की बात कर रहे हैं? क्या सुब्रमण्यम स्वामी जासूसी के पीछे का सच जानते हैं? इससे मनमोहन सिंह ही फंसेंगे और यूपीए फंसेगी। क्या एनएसए करा रही है भारतीय नेताओं की जासूसी? क्या गडकरी की जासूसी के पीछे अमेरिका का हाथ? जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की इस कथित जासूसी संबंधी जो रिपोर्ट मीडिया में आई, उस पर सियासी जंग शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो अब नितिन गडकरी ये तो मान चुके हैं कि उनके घर की जासूसी हुई है, लेकिन दिल्ली वाले घर की नहीं बल्कि मुंबई वाले घर की। और उन्हीं की पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया कि यह जासूसी यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई। खबर आने के बाद नितिन गडकरी ने इस बात का खंडन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच हो, मामला बेहद संवेदनशील है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर नितिन गडकरी नहीं कहते तो मामले की जांच किस बात की हो। वहीं मनमोहन सिंह ने भी कहा कि यह मामला एक बेहद संवेदनशील मुद्दे के बारे में है, इसीलिए पूरे मामले की जांच हो। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि खबरों में ये बात कहां से आई। बंगला नंबर 13-3 मूर्ति लेन, दिल्ली। यह बंगला सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का है। क्या बंगला नंबर 13 की जासूसी की जा रही है? सूत्रों की माने तो नितिन गडकरी के बेडरूम से हाई पावर लिसनिंग डिवाइस मिले हैं। इन उपकरणों का इस्तेमाल चोरी छिपे लोगों की बातें सुनने के लिए किया जाता है। हैरान करने वाली यह खबर और है। जानकारी मिली है कि इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और NSA करती हैं। तो क्या यह समझा जाए कि अमेरिका नितिन गडकरी की जासूसी करा रहा है? अगर ये चीज किसी और दूसरे देश में हो जाती तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। हमारे ये अब नई गवर्नमेंट बनी है, और सबसे जो मैं एक बड़ी बात इस गवर्नमेंट की देख रहा हूँ कि जो UPA के अफसर हैं, चाहे वो IB का चीफ है, चाहे रॉ का चीफ है, इवन कैबिनेट सेक्रेटरी को 6 महीने के एक्सटेंशन दे के रखा हुआ है, तो जो ऑफिसर्स की एक किस्म से एक एलिजियंस होती है, वो जिसने उसको लगाया उसके साथ ज़्यादा होती है। तो ये अफसर अभी भी काम कर रहे हैं, IB का चीफ भी वही है, रॉ का चीफ भी वही है। यूजुअली जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो सबसे पहले तलवार इन पे चलती है, इन लोगों पे, क्योंकि ये तो उसके वफादार होते हैं जिन्होंने लगाया है। इस गवर्नमेंट ने अब तक इनको चेंज नहीं किया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ये मामला गंभीर है, इन एजेंसीज की भी जिम्मेदारी है कि अगर ये इस तरह की पेनिट्रेशन एक मिनिस्टर के यहाँ हुई है और BJP के बड़े इम्पोर्टेंट आदमी के यहाँ हुई है, तो ये दोनों भी जिम्मेदार हैं इसके। इनको पता लगाना चाहिए कि कैसे हुआ, किसने किया। और ये तो लीपापोती जो हो रही है कि ये नहीं, ऐसा नहीं था, ये ऐसे नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ है। वहीं बड़े खुलासे करने में माहिर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जासूसी उपकरण बीते साल अक्टूबर में लगाए गए, क्योंकि उस समय UPA की सरकार थी, इसलिए इस तरह की घटना बिना उनकी जानकारी के नहीं हो सकती। इससे मनमोहन सिंह ही फंसेंगे और UPA फंसेगी, क्योंकि
उन्हीं के काल में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने वहां की कोर्ट से परमिशन लिया। हालांकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि दिल्ली नहीं बल्कि नितिन गडकरी के मुंबई वाले घर की जासूसी हुई है। खैर, घर चाहे जहां का भी हो, जासूसी तो हुई है और ये फिक्र बढ़ाने वाली बात है। आखिर कोई नितिन गडकरी की जासूसी क्यों करवाना चाहता है? क्या इसके पीछे अमेरिका की एजेंसी CIA है या फिर कोई और? क्या इसके पीछे मंशा RSS और नितिन गडकरी की नजदीकियों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने की है, या फिर सरकार को लेकर जितनी भी जानकारियां हैं वो भी प्राप्त करने की मंशा के साथ नितिन गडकरी के कमरे के अंदर बगिंग की गई? ये एक बेहद बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन प्रवीण गिरी के साथ मनीष प्रसाद, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। बस आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ दिन पहले एक खबर छपी थी और इस अखबार के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को भारत सरकार की जासूसी का अधिकार दिया था और यह खुलासा किया था कि NSA के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर रह चुके एडवर्ड स्नोडन ने, अमेरिकी सरकार ने 2010 में NSA को यह मंजूरी दी थी। अमेरिकी मीडिया का बहुत बड़ा खुलासा, अमेरिका करा रहा है मोदी की जासूसी। स्नोडन ने वॉशिंगटन पोस्ट को दी जानकारी, यह खबर बेहद हैरान करने वाली है। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने NSA को 2010 में ही भारतीय जनता पार्टी की जासूसी करने का अधिकार दे दिया था। इससे पहले कि हम आपको पूरा मामला समझाएं, सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर समझिए। फीसा ने NSA को जासूसी की मंजूरी दी। फीसा यानी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस कोर्ट, मोदी की जासूसी के लिए NSA को बाकायदा अधिकार दिए गए। अखबार के मुताबिक NSA को 193 देशों की जासूसी के अधिकार हैं। एडवर्ड स्नोडन ने यह खुलासा किया। एडवर्ड स्नोडन NSA के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर अमेरिका मोदी की जासूसी क्यों करा रहा है? मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं कि यह हुआ है। ये करते हैं, पहले भी करते होंगे और करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल पावर है, उसके इंटरेस्ट ग्लोबल हैं और PPP या BJP या कांग्रेस, दे आर ऑल सब इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो सत्ता में भी आ गई है BJP। BJP ने इस खबर के सामने आने के बाद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। BJP ने कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। एक आरोप लगी है बड़ी गंभीर, तो अपनी सरकार को इस पर जो भी अपने गुप्तचर विभाग के पास मटेरियल है उसको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि जो आरोप है उसमें यह भी है कि भारत सरकार ने कोऑपरेट किया था इसमें। रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि अगर भारत इस पर आपत्ति भी करता है तो इसका खास फर्क नहीं पड़ेगा, सावधानी हमें बरतने की जरूरत। मेरे तो नहीं ख्याल उठाना जाना चाहिए, कोई इसमें बात नहीं बनती है। आप क्या उठाएंगे, आप खुद करेंगे तो वो ना करें। बिजनेस के तौर पर भी देखा जाए या कई सारे बायलैटरल ट्रेड्स होते हैं और आप डिफेंस मामलों, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप अपने जो बात करते हैं टेलीफोन पे या ईमेल में थोड़ा डिस्क्रिशन से बात करें। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 4 देशों को जासूसी से छूट मिली हुई है। UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों को 5 Eyes कहते हैं। अमेरिका ने इनके साथ जासूसी नहीं करने का समझौता किया है। यदि भारतीय जनता पार्टी पर अमेरिका की कोई ऑफिशियल एजेंसी खुफिया कार्रवाई करती है तो ये निश्चित रूप से और चिंता का भी विषय है, और ये विषय मुझे लगता है कि जो विदेश मंत्रालय है उसके संज्ञान में भी है। दस्तावेज से ये खुलासा भी हुआ है कि अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक, UN, OPEC, यूरोपियन यूनियन के इंटरनेट और फोन लाइन टैप करने की मंजूरी दी है। BJP के अलावा जिन 5 पार्टियों की जासूसी के लिए भी मंजूरी मिली है वो हैं लेबनान की अमन, वेनेजुएला की बोलिवेरियन कॉन्टिनेंटल कोऑर्डिनेटर, मिस्र की मुस्लिम ब्रदरहुड, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी। वॉशिंगटन पोस्ट की यह खबर भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे भारत के सामरिक कार्यक्रमों और सुरक्षा को गहरा खतरा है। अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से BJP की जासूसी करवाई है।
एनएसए के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन ने इस बात का खुलासा किया है। खबरों के मुताबिक एनएसए की सूची में भारत सहित 193 देशों के सरकारों का नाम भी शामिल है, लेकिन बीजेपी के नाम शामिल होने से बीजेपी में खलबली मची हुई है और बीजेपी इस मामले को लेकर अमेरिका से बातचीत करने की तैयारी में जुटी है। कैमरामैन भरत रावत के साथ अरविंद प्रकाश पांडे, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो आखिरकार स्पाइंग डिवाइसेस जो कि लगाया जाता है और जो कि आरोप है कि नितिन गडकरी के बेडरूम में लगाया गया, ये स्पाइंग डिवाइसेस काम कैसे करते हैं, कैसे प्लांट किया जाता है और कैसे इनसे चोरी छिपे लोगों की बातचीत और तस्वीरों को रिकॉर्ड किया जाता है, इन तमाम सवालों के जवाब हमने खुद तलाशे एक प्राइवेट डिटेक्टिव के जरिए। न्यूज एक्सप्रेस के रिपोर्टर मनीष प्रसाद की ये खास रिपोर्ट देखिए। आखिर वो कौन था जिसने नितिन गडकरी के घर के अंदर एक ऐसा डिवाइस लगाया जिससे वो सारी जानकारियां ले रहा था? खबरों के मुताबिक CIA के कई एजेंसीज के कई सारे लोग थे जो इसमें लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही नितिन गडकरी ने इस बात की औपचारिक तौर पर खंडन किया। लेकिन हम आपको दिखाते हैं किस तरीके का डिवाइस है। और 2011 में प्रणब मुखर्जी ने भी इस बात को कहा था कि उनके ऑफिस के अंदर एक ऐसा ही डिवाइस लगा दिया गया है ठीक नीचे की तरफ। अगर मान लीजिए ये उनका घर है तो घर के ठीक नीचे की तरफ जहां पे कोई अनआइडेंटिफाइड लोकेशन हो, जहां दिखता भी नहीं है, ठीक उसी जगह अगर इस डिवाइस को चिपका दिया जाए तो एक सीमित दूरी के साथ साथ एक करीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पे भी इस डिवाइस के जरिए अगर यह हाई इंटेंसिटी डिवाइस है तो इसको सुना जा सकता है। इसके साथ साथ कई और उपकरण हैं जिसका इस्तेमाल हमेशा चाहे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या फिर डिटेक्टिव अमूमन अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी जासूसी कांड नितिन गडकरी के घर में नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस तरीके से डिवाइस लगा दिया जाए, चाहे वो लिसनिंग डिवाइस हो या बगिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई सारे स्पाई कैम्स, कैसे वो काम करता है, ये किस तरीके से काम करता है, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम लिसनिंग डिवाइस की बात करते हैं तो लिसनिंग डिवाइस का मतलब है कि किसी कमरे के अंदर या किसी प्रेमिसेस के अंदर कोई कन्वर्सेशन हो रही है जो इटसेल्फ रिकॉर्डिंग की जाए या कहीं बाहर दूर बैठ के सुनी जाए। मार्केट में हर तरीके के लिसनिंग डिवाइसेस कहते हैं मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं, जो कि 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर की रेंज में होते हैं। हमारे पास एक लिसनिंग डिवाइस है जिसे कि हमने, अगर मान लीजिए किसी के ऑफिस में या किसी के घर पे कहीं किसी प्रेमिसेस में अगर हमने बग कर दिया है, ठीक है, तो उसको ये ट्रांसमीटर है, ये अपने आप में एक कहते हैं बग है जो कि वहाँ की कन्वर्जेशन को ट्रांसमिट कर रहा है और इस ट्रांसमिट को इस रिसीवर के द्वारा सुना जा सकता है। और रिसीवर की जो रेंज है 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर अवेलेबल है मार्केट। पहले भी ऐसा हुआ, प्रणब मुखर्जी ने भी ये कंप्लेंट की, उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस के अंदर किसी ने ऐसे उपकरण लगाए। AK एंटनी ने भी कहा, उस समय वो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। और फिर अब उसके बाद इन डिवाइसों का प्रयोग करते हुए इसमें एक सिम लगा दी जाती है, वही सिम जिसका इस्तेमाल हम आप हर कोई करता है। और ठीक ऊपर सिम लगाने के बाद इसको अगर स्विच बोर्ड के तौर पर यहाँ कर दिया जाए, अगर कोई भी इस पर बात करता है तो फिर क्या होता है, कैसे इसकी जानकारी मिलती है? देखिए, होता क्या है कि जब हम कहीं पे बग लगाते हैं तो होता है कि कई बार बग लगाने के लिए हमारे पास ऐसा टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं कि हम किसी बग को वहाँ पे लगा सकें। और बग हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा काम करता है या आपका बैटरी के द्वारा काम करता है। बैटरी के द्वारा अगर काम करने वाला हमने बग लगाया तो हो सकता है कि वो 2 या 3 दिन के बाद डिफ्यूज़ हो जाएगा, हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो वहाँ पे इस तरीके के बग बहुत अच्छे काम आते हैं क्योंकि ये एक एक्सटेंशन कॉर्ड है। एक्सटेंशन कॉर्ड मान लीजिए किसी कमरे में जाते हैं, वहाँ पे कोई एक्सटेंशन कॉर्ड लगी हुई है और एक्सटेंशन कॉर्ड से जगह जगह वहाँ पे सप्लाई ली गई है, तो वहाँ पे एक्सटेंशन कॉर्ड बदलनी तो है, बदलने में कितनी देर लगती है, इसमें क्या लगता है जिसके तो कनेक्टिविटी एक्सटेंशन कॉर्ड को बदला गया। एक्सटेंशन कॉर्ड को बदलने के बाद इसमें एक सिम डाल दिया गया। सिम डालने का मतलब है कि इसके अंदर एक छोटा सा मोबाइल, अगर हम कहते हैं इसको लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहें तो ये एक तरीके से ना कहते हैं एक मोबाइल है।